मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी आज थथन में थथन हती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले रामायण गंगा की जय संत समाज की जय मढ़ी पावन धाम की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हन। मंच में विराजमान जतक भी ममता करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गावला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय साउंड ऑपरेटर बंधु मल्ला साथ ही साथ आदरणीय भैया मन पधारे हैं पूर्वी स्टूडियो के और जिकर माध्यम से कार्यक्रम के आज रिकॉर्डिंग होते वो भैया मल्ला और साथ ही साथ समस्त आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मंच स्थापित हो पाए जिकर माध्यम से आज हम सब लोग भगवत कथा कहे के और सुने के अवसर मिले हैं। आप सबके पावन युगल चरण में जय माँ शारदारानी मानस परिवार सूर्य जिला महासमुंद के अबोध लई का मन के डहार है सत सत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो और विशेष रूप से धन्यवाद मैं आप सबकी ओर से चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान हो आप सबकी ओर से पूरा आयोजक परिवार को और आदरणीय हमर संचालक भैया जी जेकर मीठा मीठा वाणी के साथ आप और हम सब जुड़त रहे और साथ ही साथ हमर गुरुजन जेकर उपस्थिति के माध्यम से ये कार्यक्रम और गरिमामय हो गए हैं तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमर बीच हमर जिन अतिथि पधारे हैं गुरुजन मन आप सबके आशीर्वाद आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो पाए आप सबके चरण में मैं बारंबार धन्यवाद करत हूँ बारंबार अभिनंदन करत हूँ काबर आप सबके पुण्य प्रताप के कारण आज हमू मल्ला भगवान के कथा कही के अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर मिले हैं एकर बार आप सब ला ढेरों शुभकामना ढेरों धन्यवाद साथ ही साथ आवो दीपावली के पावन अवसर है आप और हम सब ये पावन अवसर ला प्रेम भाव के साथ मनाथन हम सब भगवान से यही प्रार्थना करबो जब तक भी हरिभक्त यहाँ विराजमान हो है आप सबके घर में मां लक्ष्मी मां पूर्णा के अनवरत कृपा रहे आप सबके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे मां लक्ष्मी के निरंतर कृपा आप सबके घर परिवार में रहे यही शुभ मंगल कामना ये दीपोत्सव में हम सबके ओर से आप सबके पूरा ग्राम पर हरे आओ जेठ मां लक्ष्मी के पावन कृपा से हम सब यहाँ उपस्थित हो हन एक बार प्रेम से माता लक्ष्मी जी के स्मरण करबो बोली लक्ष्मी माता की जय। आवो परमात्मा श्री राम जी के कृपा हो और भगवान के कृपा के फलस्वरूप आज आप और हम सब बैठ के भगवान के कथा सुनत हन और रामचरित मानस के संदर्भ में भगवान के कथा के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस की एक घड़ी याद हो घड़ी पुने याद हो
तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। केवल कुशण मात्र के भगवान के कथा से, केवल कुशण मात्र के भगवान के सत्संग से हमर जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा के, भगवान के नाम के महिमा। लेकिन आप विचार करो का सब व्यक्ति ला भगवान के कथा मिल जाते या सबे गांव राम कथा हो जाते? नहीं, आप विचार करो ये संसार में कति ककन गांव हो ही, लेकिन कथा तो केवल मढ़ी में होते हो, कतको जगह होत हुई, लेकिन करोड़ों जगह में या कतको स्थान की जगह में आपके गांव में राम कथा होते, आपके ये पावन राम में राम कथा होते, आप सब बैठे राम कथा सुनत हो, तो राम कथा सरलता से मिल जाते? नहीं, राम कथा सरलता से नहीं मिले दाई, सब कोई आ जाए, सब कोई बैठ ले और सब कोई सुन ले, अधिक सरल नहीं है कथा सुनना। तो कथा ला कौन सुनते? जेकर ऊपर भगवान हा कृपा करते, अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही मार्ग सो। भगवान हा जब बड़ा कृपा करते तब कृपा के फल स्वरूप भगवान के कथा मिलते, भगवान के सत्संग मिलते। और एकरे सतीन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला जब बड़भागी लिखना हो, कोई व्यक्ति ला कही भाई आप बड़भागी कब हो, कोई बड़ा कर पैसा वाला है तब वो बड़भागी नहीं हो, अच्छा घर परिवार वाला हो गए, सुख समृद्धि वाला हो गए तब वो बड़भागी नहीं हो। तो बड़भागी कौन है? बड़भागी वो व्यक्ति है जेला सत्संग मिल जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही बड़े भाग पाई सत्संगा। भैया बड़भागी वो हरे जेला सत्संग मिल जाए, भगवान के कथा मिल जाए। तो जति जने मेर बैठे हैं ना, सब के सब बड़भागी हर, और जेन जेन लाग थे कि आप सब बड़भागी हर, तो चलो तो एक बार अपन अपन भाग की सराहना करना है, भगवान ला धन्यवाद देना है। चलो मीठा मीठा एक बार जोरदार ताली बजान, भगवान के नाम के स्मरण करन, बोली राजा राम चंद्र की जय। भगवान हम सबके ऊपर आज कृपा करी, सब कृपा करके राम कथा दीजिए। और जब जब जीवन में कथा आ जाती है, सत्संग आ जाते, तो ये जीवन में आनंद के संचार कर देते राम कथा। राम चरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसन कथा है जिला केवल श्रवण की आवश्यकता है, केवल प्रेम से सुन पर ले वो उत्केच में जीवन में आनंद के संचार कर देते, ये राम कथा। पर आप विचार करो आज हम और सबके जीवन में निरंतर आप और हम सब व्यस्त रहते। कैसे व्यस्त रहते? बिहनिया कर उठे, उठ के स्नान करें, हमारे रूटीन चलत है दिनचर्या। यदि सही कहा था तो सर हिला के सहमत भी हुआ है ना, क्योंकि तहु मन के हुकारों के लिए तो माहौल अच्छा लगा। बताओ तो हमारे जीवन चलत कैसे? बिहनिया कर उठन, उठ के स्नान कर थन, स्नान करे के बाद भोजन कर थन, भोजन करे के बाद काम में चल थन, काम में लहुट के वापिस आ थन, और वापिस आ थन फिर से साग भाजी सुधार तैयारी चालू, किचन डिपार्टमेंट माता फिर से साग भाजी सुधार तैयारी चालू, भोजन बनाए, भोजन करें और भोजन करें, ओकर बाद फिर रथिया हो के सुते के बेर अब सो, और सोए तहन फिर बिहनिया हो, बिहनिया कर फिर से उठे, फिर से स्नान करें, फिर से भोजन करें, काम में निकल गए वापस आए, फिर भोजन करें, फिर सो। सोचो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाते, और केवल यही काम करना है, केवल खाना है, केवल शयन करना है, तो फिर ये काम तो पशु भलो कर लेते। कोई संत बड़ा सुंदर बात है, केवल यही काम ना करना है तो ये सब तो पशु भलो कर लेते। तो फिर कावर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बड़े भाग के पाई सत्संगा। हमर जीवन में सत्संग का है, हमर जीवन में ये मनुष्य तन दे है भगवान हा, कावर बड़भागी है नमन, उकर पीछे के कारण का है? मनुष्य तन दे है हम सब ला परमात्मा, तो उकर पीछे कारण का है? हम सब ये मनुष्य तन ला प्राप्त करके भगवान के भजन कर सकन, सत्संग कर सकन, एकर बर भगवान हा ये तन लदी। तो आवो हम सब प्रेम भाव से भगवान के नाम के स्मरण करन, भगवान की कथा से जुड़न, कथा से जुड़न। ओकर से पूर्व एक छोट पून घटना रखा थो, थोड़ के ध्यान से सुनो। देखो एक बार की बात है, एक बार एक राजा ऐलान करी जाई, राजा का ऐलान करी कि कल सुबह जेन है राजमहल के दरवाजा ला खोल दिए जाए, कल सुबह जेन है राजमहल के पट ला खोल दिए जाए, और ओकर बाद जेन व्यक्ति है आके जेन सामान ला छू ली वो सब ओकरे छोड़ दे। अब सुबह कर जब पट खुली तो फिर प्रजा पूरा भाग दौड़ बजे, कावर सोचे जेल न छुओ तहन वो सब मोरे छोड़ दे, कुछ करे जरूरत
तो सब सब प्रजा भागे, भाग दौड़ मच गए। कोई सोना कोती भागे, कोई चांदी कोती भागे, कोई हाथी रहन भागे, कोई घोड़ा रहन भागे। जेल ना जे चाहिए वही कोती भागे। काबर जाना थे छूहू तहन मरे छो जही, कुछ करे जरूरत नहीं। सब भागे, अफरा तफरी मचे है। सब ये सोचे कि कितना ज्यादा से ज्यादा चीज ना छू लो तहन वो पूर्ण हो जाए, कुछ करे जरूरत मत पड़े। एक व्यक्ति वो सब में जहाँ बाकी सब जन भागत रहा, एक जन का करे, एक जन चल के आई और आके राज सिंहासन में राजा हो बैठे रहे। और राजा हो बैठे रहे तो आके वो राजा चला छू, आके वो राजा छू। अब आप सब बताओ, राजा ला छुए हुए और राजा ला छुए है तहन राजा के पास जब का संपत्ति है वो सब तो ओकरे छो। अब बाकी मन एती ओती भागे हो मन बताओ तो है, जेमन जतिक ला छुए है वो की बस वही ओकर। और राजा छुए है तहन वो तो राजा कर जतिक समान है सब ओके छो। तो आप सबसे पूछो भाई, आप सब भी चतुर हो, आप सब भी विद्वान कि होशियार कौन है, बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान तो ही हरे जेन राजा कोती भागिस। काबर काबर राजा कोती भागे तहन वो भाग दौड़ करे का आवश्यकता नहीं है। हम सब भी जीवन भर माया कोती भाग थन, हमु मन अभी भागत हन तो जीवन भर माया कोती भाग थन। और जेन माया पति कोती भागे तहन माया कोती भागे जरूरत नहीं है। धन की ओर भागे की आपला आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप ये जगत के मालिक के पास होकर शरण में चल दो तो आवो हम सब वही परमात्मा के शरण से जुड़वो। और परमात्मा के शरण से जुड़ के अपन जीवन के कल्याण करे के प्रयास ये मंच की ओर से करवो। आवो एक सुंदर से भजन करन और आप और हम सब यात्रा करवो पावन सुंदर कांड के। हमरो जीवन सुंदर हो सकते दाई, हमरो जीवन हाँ सुंदर हो सकते और कैसे सुंदर हो। आवो आप और हम सब वो पावन सुंदर कांड के यात्रा करन जहाँ हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करे है, शक्ति के खोज करे है। हम सब के जीवन में भी वो खोज है, भले हमें पता नहीं है लेकिन हम मन खोज करत हैं तो हम मन वो खोज पर जाबो। आवो आप और हम सब चलन ओकर से पूर्व। आवो हमर बीच में आप सबके ग्राम में आदरणीय भैया सूरदास मानस परिवार कठिया के जैन व्याख्याकार है आदरणीय गुरुदेव सम्मानी संतोष साहू जी यहाँ उपस्थित है। और जैन अपन नाम आपके गांव के नाम भी और अपन नाम के कीर्ति भी छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी ये मानस परिवार विचरण करते और कई बार भैया मन के मानस परिवार से भेंट हो और आशीर्वाद मिले हैं। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सबकी ओर से आदरणीय संतोष भैया पर। आवो ऐसन गुरुदेव हमर बीच विद्यमान है, हम सब आवो भगवान के एक सुंदर से भजन करन ओकर पश्चात यात्रा करबो पावन। बोले राजा रामचंद्र की जय। मया ममितान बदन पानी ओढ़ेला, हवासन पानी की भुरगी थी ढेला। आप आनंद के साथ आप और हम सब गुनगुनाबो। काबर एकर सेटिंग में निवेदन करत हूँ आप सबसे, काबर आप सब भोजन करके आ हो जाए और एक स्वाभाविक बात है भोजन करके आवे तहन नींद लागे। त कथम जब बैठे हम त उंघात नहीं बैठे है ना। प्रेम से बैठबो, आनंद से बैठबो, भाव से बैठबो, प्रेम से सुनबो। चलो आप सबसे निवेदन आनंद के साथ आप सब लगे मोर साथ भजन करे। मया मम्मी तान पट पानी ओढ़ेला, हवसन पानी की भुरगी ढेला। मया मम्मी तान पट पानी ओढ़ेला, हवसन पानी की भुरगी ढेला। ये तो हर भुरगी दा माती दिखाया रे तो हर भुरगी, ये तो हर भुरगी दा माती दिखाया रे तो हर भुरगी। मया मम्मी तान पट पानी ओढ़ेला, हवसन पानी लगे घुरगी दिखेला। मया मम्मी तान बदन पानी ओढ़ेला, हवसन पानी लगे घुरगी दिखेला। ये तो हर भीगे दा माटी के काया दे तो हर भीगे, ये तो हर भीगे दा माटी के काया दे तो हर भीगे। Thank you.
जही एक दिन खींच के तोला, दूध के पानी ओ दूध के कोला, एक दिन खींच के तोला, दूध के पानी ओ दूध के कोला, लेट जही एक दिन खींच के तोला, दूध के पानी ओ दूध के कोला, लेट जही एक दिन खींच के तोला, लेट जही एक दिन खींच के तोला। ये गुनिल भई के नारी जोड़ा गिरी नोहर भैया, ये नोहर भैया नारी जोड़ा गे नोहर भैया, ये नोहर भैया नारी जोड़ा गे नोहर भैया, ये गुनिल भई के नारी जोड़ा गे नोहर भैया। महाराज जी जे ने भक्ति के खोज के यात्रा करे है, शांति के खोज के यात्रा करे है, और हम सबके जीवन में घलो की खोज चलत है दाई। देखो हमन भले हमन ये बात के एहसास नहीं है कि हमन खोज करत, लेकिन हम मन शांति खोजते छे,
बताओ तो हमन चाहथन कि नहीं हमरो जीवन में शांति हो जाए, और भले हमर ढंग अलग है शांति ला खोजे के, हमन सोचथन कहीं घर परिवार अच्छा है तो फिर शांति मिल जही, या फिर अच्छा धन है तब शांति मिल जही, या एक के प्रकार व्यापार अच्छा है तो शांति मिल जही। हमन शांति ही खोजथन, बस खोजे में अंतर ये है कि हमन संसार में शांति खोजत, लेकिन शांति मिल ही का, शांति के खोज करे बर ही हनुमान जी महाराज हलोक चले। और ये खोज है कैसे, हनुमान जी महाराज जहाँ शांति की खोज करे वर्गे है वो कांडला बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड लिखे। और मैं अब आप सबसे पूछना चाहूँ, कावर आप सब राम कथा के रसिक श्रोता जन हरो, तो फिर रामचरितमानस में बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज ये सात कांड लिखे है, और सात कांड में ये पंचम नंबर के ये कांड हरे, तो ऐसा सुंदर कांड, तो फिर ये सुंदर कांड के नाम का सुंदर कांड कावर लिखे हो, ऐसा का सुंदरता दिखे से बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज ला की ये कांड के नाम सुंदर लगे, जबकि यहाँ तो फिर लंका विध्वंस हो है, बड़े बड़े काम हो है। ये कांड में आप देखो माता सीता जी के खोज हो है, लंका में बिल्कुल आग लगे, हनुमान जी महाराज लंका ला राख कर दी, तो चाहतीस तो यही लिख सकत रही की लंका दहन कांड ऐसे घलोक लिख सकत रही, या सीता अन्वेषण कांड ऐसे घलोक लिख सकत रही, सीता माता खोज हो यहू सब लिख सकत रही, लेकिन नहीं सुंदर कांड ही लिखे। तो कारण का है, सबसे सुंदर है, सबले सुंदर कौन है, एक झन माता जी कहा कि सबले सुंदर ऐश्वर्या राय, आप विचार करो वो सुंदर नहीं है दाई हो, मानस में कहे की सबले सुंदर कौन है, सुंदरता कह सुंदर करे, सुंदरता ला घलोक सुंदरता देने वाली यदि कोई है तो वो माता सीता जी, और माता सीता है को शांति सीता समुनीता आत्मो राम हगराजते, माता सीता जिला शांति कहेगी, शक्ति कहेगी, सब भक्ति कहेगी, और ये तीनों उपमा दे है रामचरितमानस में बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज, शांति घलोक कहे है, भक्ति घलोक कहे है, शक्ति घलोक कहे है, तो ऐसा शांति के खोज में, शक्ति के खोज में बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज वर्णित करे है जहाँ हनुमान जी महाराज चले है। और जीवन हाँ उकरे सुंदर है, काकर जीवन सुंदर है, जीवन उकरे सुंदर है जिन व्यक्ति हा भक्ति के खोज में निकल जाए, नहीं तो आप देख लो हनुमान जी महाराज कौन है, वानर है, बंदर है ना, वानर रूप धारण करे है, लेकिन ओकर बाद भी ओकर जिन खोज है, ओकर जिन यात्रा है, ओला सुंदर कांड लिखे कावर, जीवन हा उकरे सुंदर है जिन व्यक्ति हा भक्ति के खोज में निकल जाए, नहीं तो आप ये नान नान लड़का मन, छोटे बच्चा मन जिन बैठे है, आप ये बच्चा मन से पूछ लो कि बेटा बंदर हा ज्यादा अच्छा दिखते तो मन के मन बताओ, तो छोटे लड़का घोलोक बता दी कि सुंदर तो मन के ही, लेकिन नहीं ओकर बाद भी हनुमान जी महाराज के जीवन पर सुंदरता लिखे, कारण कावर की वो भक्ति के खोज में गए, और हमरो जीवन हा सुंदर हो सकते, कब सुंदर हो सकते, जब हम मन भक्ति के खोज में निकल जाए, शांति के खोज में निकल जाए, और आओ आप और हम सब हनुमान जी महाराज के कथा सुनत हैं, और हनुमान जी महाराज के कथा सुनत हैं तो जहाँ जहाँ राम कथा हो वहाँ वहाँ निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज विद्यमान रहे थे। एक पंक्ति है निश्चित रूप से आप सब ला याद है वो पंक्ति, मैं जानता हूँ है ना, अब याद हो ही तत्सत हूँ भाई, राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी महाराज ला राम कथा सुने बर परम रसिक ही, जहाँ जहाँ राम कथा हो वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से विद्यमान रहे थे और राम कथा ला सुनते, कैसे सुनते, एक बार के बाद एक छोटकुट घटना देखो, भगवान जब जब अपन लीला ला समाप्त करके अपन धाम जब जावत रहे, और धाम जब जावत रहे तो हनुमान जी महाराज ला कहे कि हनुमान अब तो मोर लीला समाप्त हो गए, अब ते भी चल मोर साथ, तो हनुमान जी महाराज भगवान से कहे कि प्रभु एक बात बता, जाए पर तो जाऊं लेकिन ओकर से पहले बोले एक बात बताओ, आप जहां रहू वहां आपके कथा रही कि नहीं रहा, आप जहां रहू वहां आपके कथा रही कि नहीं रहा, तो भगवान श्री राम कहे अरे भाई जहां मैं हूं वहां कथा का जरूरत, वहां साक्षात नहीं चाहो तो कथा का जरूरत, वहां केवल केवल मैं रहूं कथा नहीं रहा, तो हनुमान जी महाराज कहे अच्छा प्रभु तो एक काम करो आप पहले पधारो मैं बाद में आऊं पाछू पाछू, भगवान श्री राम कहे अरे मैं तोला लेगना चाहत हो कर बात भी ते नहीं जाते,
तो हनुमान जी महाराज कहिस कि प्रभु दरअसल बात ये है कि आप जहां रहो आपके कथा वहां हो ये जरूरी नहीं। जी हाँ भगवान आप हो जिन धाम में वहां आपके कथा रही ये बात नहीं है, लेकिन जहां आपके कथा रही वहां तो आप निश्चित रूप से ही रहो। जहां भगवान के कथा हो वहां निश्चित रूप से भगवान विद्यमान रहते। तो आप सब भी मानो जहां जहां भगवान की कथा होते वहां वहां भगवान श्री राम जी महाराज माँ जानकी के साथ निरंतर रूप से विद्यमान है। और आओ यहां राम कथा होते तो हनुमान जी महाराज कहिस्कि प्रभु जहां जहां राम कथा हो वहां वहां मैं निश्चित रूप से भगवान के कथा ला सुन सको। हमन तो एक जगह बैठ के कथा सुन सकथन, बताओ केवल मढ़ी हो तब मढ़ीच में एक जगह बैठ के सुन सकथन। और भगवान के कथा ला हनुमान जी महाराज ये दुनिया में जति जगह कथा हो वहां वहां बैठ के हनुमान जी महाराज एक साथ एक ही बार में सब जगह बैठ के कथा सुन सकते राम कथा। ऐसन हनुमान जी महाराज तो आओ ऐसन हनुमान जी महाराज जिन राम कथा सुने पर परम रसिक है और जिन भगवान श्री राम जी के परम भक्त है परम दूध है ऐसन हनुमान जी महाराज के पथक पावन कथा आप और हम सब प्रेम भाव से श्रवण करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम भाव से आप और हम सब जयकारे लगावो। बोले हनुमंत राम महाराज की जय। लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो। निवेदन भाई गीत तो हो ही लेकिन आप सबके ताली भी होना चाहिए। निवेदन और ज्यादा कष्ट नहीं दो बस बस आप सबसे निवेदन घर में बड़ा रोटी बना था बस वही करना है। कम से कम निकालो सही हाथ हाथ निकालो मीठा मीठा ताली बजाओ। आओ हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में चले हैं और कैसे चले हैं आओ हम सब भी यात्रा करें। तीन गोड़ की सुमिरन करके मन मत जा।
सबरी जमी हो सीन कोड के चरण छुवे पथरा बन के नारी हो सीन कोड के सुमिरन करके करके सबरी जाए हो भैया लग हो भैया लग हो लग हो लग हो लग हो तुर प्रिया लग रमिया लग हो लग हो तुर महाराज की जय। और जब सीता के खोज में निकले हैं रामचरितमानस में बाबा गोश्याम तुलसीदास जी महाराज जहां ये प्रसंग की शुरुआत करी जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत ही दे अति जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए जामवंत जी महाराज के कहना न मान के ऊपर सिखावन न सुन के हनुमान जी महाराज माँ सीता के खोज में निकले हैं। और आप विचार करो कि जामवंत जी महाराज के जिन सिखावन है जिन बात सिखा है हनुमान जी महाराज ला वो हनुमान जी महाराज जामवंत जी महाराज के बात ला सुन के प्रसन्न हो गए। जामवंत के वचन सुहाए सुहाए मतलब अच्छा लगा जामवंत जी महाराज के बात अच्छा लगी सुन ला हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कौन है युवा है और जामवंत जी महाराज कौन है सियान है। रामचरितमानस में तीन जन सियान मन के वर्णन मिलिस दाई है और वो में से एक जन सियान है कौन हर जामवंत जी महाराज। और जामवंत जी महाराज जब हनुमान जी महाराज ला समझाई तो ओकर बात हनुमान जी महाराज ला अच्छा लगी लेकिन आप यदि व्यवहारिक जीवन में देखो ना तेकर बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है का कोई युवा ला सियान के बात अच्छा लागथे का बताओ तो आज के परिवेश में युवा के विचार उत्तर त सियान के विचार दक्षिण दोनों के विचार कैसे रहते बिल्कुल उत्तर दक्षिण रहते युवा और सियान है ना दोनों के विचार हम मेल लिखा है। और जी हां युवा और सियान दोनों जन के विचार हम मेल खा जाए दोनों के विचार एक साथ हो जाए वही तो सुंदर कांड है वही तो जीवन में सुंदरता है। जब भी जीवन में कोई कार्य करन तो बड़े सियान मन के उकर जिन सिखावन है उकर मन के जिन दिखाए रद्दा है उकर आशीर्वाद है उकर माध्यम से करन तब ही कहीं जाके कोई कार्य सुंदर हो सके। और एकरे से हनुमान जी महाराज जब निकले तो भले वो जोश से भरे भी लेकिन उकर बाद जामवंत जी महाराज समझाई कि हनुमान आपला कोई ला मारना नहीं है न कहीं लुखाड़ना नहीं है। काबर हनुमान जी महाराज जब जागिस तो कहिस कि भाई अभी रावण ला अभी रावण ला मैं लाऊं अभी त्रिकूट पर्वत ला उखाड़ के लाऊं रावण ला मैं मारूं तो किस जामवंत जी महाराज देख भैया तोला मारना पीटना नहीं है लड़ाई झगड़ा वाला बातें नहीं तो तोला करना का है तोला केवल इतना करना है इतना करहु तात तुम जाए केवल आपला जाके माता सीता जी के पता लगा के आना। और जब ये सिखावन ला आज जामवंत जी महाराज दी तो उकर बात हा हनुमान जी महाराज ला अच्छा लागिस। और ये कम ही देखे वर मिलते व्यवहारिक जीवन एक छोटकुन घटना मोले याद आते है आप सबके बीच में रखो। एक बार की बात है दाई एक व्यक्ति के बिहाव हुई और बिहाव हुई ता जेन घरतिया वाला रहा है ओमन शर्त रखिस शर्त का देखो भाई भरतिया ही तब भरतिया मेरे को जन सियान नहीं होना चाहिए परीक्षा ले बस जिन भरतिया ही तब भरतिया में एको जन सियान हल नहीं लाना है सब जति जना हूं सब के सब युवा मतलब बस आना है सिहनिया जिन सियान है उकर मन के कोई रोले उमल लाना चाहिए।
अब जेन व्यक्ति के बिहाव होत रहे ओकर बबा दी तब बबा कहे बेटा अति दिन ले जियत हूं बेटा तोर बिहाव से देखू तोर बारात जाए की इच्छा है तो ओकरे बर वही मन में इच्छा है ते मोला अपन संग में ले जत वो अपन जे नाती रहे वो लगा है तो ओकर जे नाती रहे वो का करी वो हा कोनो आओ ओकर संगवारी मन दे सन सके ऐसे ओला लग गाड़ी लुका कर लेगी सब कोई संगवारी जहुरिया मन या फिर भरतिया मन देख सन सके वैसे वो अलग से ले गई। अब जिन गांव में बारात जाना रही बारात पहुंची और बारात पहुंची बाजा गाजा बाजा पर घनी चलत सब नाचत कूदत अब भरतिया मन देखे जतिक जना है सब के सब बिल्कुल जैसने कह रहे हैं वैसने युवा युवा मना है। अब का करी भरतिया सब झन ला बुले और बुला के कहिस कि भैया देखो बिहाव हा हो और लेकिन बिहाव पहली हमर मन के ठन शर्त है और जब तक शर्त पूरा नहीं होही तब तक ये बिहाव हम माढ़े नहीं तो शर्त का है शर्त ये है कि ये बिहाव हा तभे होही जब हमर गांव में एक ठन नदिया है और हमर गांव में जे नदिया है वो मां दूध के धारा बहाहु तभे ये बिहाव हम माढ़ी। अब वो जतिक बरतिया आ रहा सब मुड़ धर धर के बैठ गए काबर अब सोचो तो हमर हाथ के बस के बात है का कोई कर संधन का कोई नदिया दूध की धारा बहा सकते हां नहीं बताओ बताओ हाँ? हो सकते का हमर बस के बात नहीं अब सब जन सोच में पड़ गए करे का जा सब सोच में पड़े हैं लेकिन जेन व्यक्ति अपन दादा जेन लाने रहे वो चुपचाप जी सोकरे और जा चुपचाप जा के बताइस कि बाबा ऐसा नहीं हो गए इमन तो शर्त रखे जब तक शर्त ल पूरा नहीं करहु कहा तब तक बिहाव हानि माढ़े तब का कर तो फिर ओकर जेन सियान रहे ओकर जेन बाबा रहे वो बताई कि बेटा ये तो बड़ा नानचुन काम है अरे ये तो बड़े छोटे से बात है मैं बता था सुने कर हल तो कर कान में हल बताई अब वो व्यक्ति सुने आनंदित हो गए और सुन के वो गीत कहा घरतिया मंदिर और घरतिया मंदिर जाके कही कि भैया तू मन कही थो ना कि तुहार गांव के जन लिया है उमा दूध की धारा बहाना है बिल्कुल हमन दूध की धारा बहाबो हमन दूध की धारा बहाबो लेकिन ओकर ले पहली हमरो मन के ठन शर्त ओकर ले पहली हमर मन के ठन शर्त है उस शर्त का है हमन मन के ठन पहली शर्त है कि पहली जिन नदियां पानी बहात ना ओला तुम मन हटा दो पहली ओला खाली कर दो और खाली कर हो ओकरे बाद तो खाली हो ही तबे दूध के धारा बहात तो पहली ओला खाली कर दो तुम मन हमन दूध के धारा बहात देखो और जब अतिक बात ल जब सुनिस भरतिया मन तो भरतिया मन घलोक जान डरिस के निश्चित रूप से मन युवा जीवा नहीं है कोई ना कोई सियान है जेने मल सद्बुद्धि दे थे ये मति ला दे जिन ये तर्क रखे है ऐसा तो कोई सियान ही दे से थे वो मन जाने और जाने के बाद सब जेने है बिहाव हम माढ़ी घटना के पीछे के भाव यही कि जब तक हमर जीवन में हमर बड़ी सियान मन के आशीर्वाद है उकर दिखाए रद्दा है तब तक हमर जीवन हा सुंदर रही दाई है ना तो फिर यदि कुछ अच्छा कार्य करत हन जीवन में यदि आगे बढ़ना है सफलता पाना है तो ओकर बर हमर बड़े सियान मन के आशीर्वाद होना आवश्यक है काबर आज आप आज के ही उदाहरण ले लो जब हमर बड़े सियान मन यहाँ उपस्थित हुई और यहाँ के युवा वर्ग के माध्यम से ये आयोजन हुई यहाँ के युवा शक्ति जागृत हुई तो युवा और जिन सियान है ये दोनों जन मन जब एक साथ जुड़िए ये दोनों जन जब एक साथ अपन मतला एक करी तब तो ये कार्यक्रम हो का बताओ है ना युवा मन के घलोक सहयोग है एक आयोजन में और सियान मन के घलोक सहयोग है तो जब जब ये सब एक साथ हो है तब अधिक सुंदर राम कथा के आयोजन हो है हर कार्य में यदि युवा और सियान एक हो जाए तो ये संसार में ये जिन समाज में अशांति के आग फैले है वो कभी नहीं फैले शांत हो जाए। एक ठन घटना एक गाँव में आग लगे रही और आग लगे रही तो सब जन तो वो गांव से निकल गए लेकिन दुए जन बाचे रहे कौन कौन एक तो अंधरा है और एक जन लंगड़ा ये दुए जन बाचे रहे काबर अंधा देख नहीं सक और लंगड़ा चल नहीं सक अब वो करे का निकले कैसे वो गांव तो फिर का करिस दोनों जन सुनता वधे से काम करतन भैया का कि हमन ये आगे ले निकल सकथन और कैसे आगे ले निकल सकथन एक काम कर ते मोर पीठ में चढ़ जा अंधरा कहे लंगड़ा ते मोर पीठ में चढ़ जा ओकर बाद ते मोला रास्ता बतावे और गोड़ मोर हो ही मेरे मुंह आगु अब बताओ वो जिन लंगड़ा है वो अपन आंख से देख के आगु डहन रास्ता बताए और ये जिन अंधा है वो रेंगत रेंगत पार कर लिस भाई आग से निकल गए तो ये हमर जिन
समाज है, समाज में घलो अशांति की आग फैले है और वो कब शांत हो जाए, कब ये मिट जाए, जब युवा सियान दोनों जन जाग जाए कि इस अंधा जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, बुढ़ापा में व्यक्ति काम नहीं कर सकते, सोच तो सकते, अनुभव तो है लेकिन शक्ति नहीं रहा है कर पास, है ना। और युवा के पास जोश तो है, बल तो है लेकिन अनुभव नहीं है। अब जब ये दोनों जन मिल जाए, जोश और होश दोनों मिल जाए तो संसार के हर एक कार्य हो सकते। यहाँ भी आयोजन जोश और होश के साथ हो, अर्थात युवा और सियान दोनों के मत से हो। एक बार जोरदार ताली हो आप सबकी ओर से समस्त युवा शक्ति और हमारे बुजुर्ग सियान मन पर। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा की ओर चल, जहाँ जामवन जी महाराज के बात सुन के हनुमान जी महाराज चले हैं। और जब चले हैं अब कैसन चले हैं, कैसन यात्रा है, आप और हम सब सुंदर भाव के साथ श्रवण करें। आदरणीय किरण साहू जी मुकेश ओकर बाद आप राम काज में फिर से तत्पर हो जाओ। हनुमान जी महाराज एक सुंदर से भाव रखे कि हनुमान जी महाराज कहे हनुमान पे ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी महाराज बोल स्पर्श करिस, प्रणाम करिस और प्रणाम करके किस की बिना भगवान के काम लग करे बिना मोर जीवन में आराम ही कहां है, विश्राम ही कहां है।
काबर आराम नहीं है भाई। देखो हमन काकरो घर गए हैं और काकरो घर गए हैं और काकरो घर जाबे तो फिर बिल्कुल सत्कार कर ही चाय ले ले, पानी ले ले, भोजन खा ले, पता नहीं कतका सारा सम्मान करते बताओ तो। और मानो कोई भूख नहीं लागत था, कोई कुछ खाना पीना नहीं है, तब थाली ऐसे छू लेते हो, छू कथे प्ले मोर द्वारा होते भैया ऐसे, तो ऐसे छूते मतलब वो कर माध्यम से बोला ग्रहण हो गए माने जाते हैं ना, सम्मान करे जाते। तो मानो वही सम्मान करी हनुमान जी महाराज की, भाई मोर द्वारा आप जिन सम्मान देते हो कर वर धन्यवाद, लेकिन जब तक भगवान की कामना में नहीं कर दू तब तक जीवन में आराम मिल ही नहीं सके। और कतिक सुंदर बात भगवान के कार्य अर्थात जब तक शांति की खोज नहीं कर लू तब तक जीवन में आनंद और विश्राम मिल ही नहीं सके। यही कही के हनुमान जी महाराज आगे चली, और आगे जब चली तो कर सामने सुरसा नाम के जे एक राक्षसी है, वो सामने होकर बाधा उत्पन्न करी। और बाधा जब उत्पन्न करी तो आप सभी कथा सुने हो, सुरसा जिन है ओला सब देवता मन भगवान श्री राम जी के जिन काम करे बर जाते हैं हनुमान जी महाराज होकर परीक्षा ले बर सब देवता मन भेजरी। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा जिन है नाग मन के माता रहिस, वो सुरसा के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज के सामने। और जब सामने आई तो कही आज मोला भगवान आहार दे है, तोर में भक्षण करूं और तोर में भक्षण करूं, ये भाव जब रखी तो हनुमान जी महाराज कहे कि माता मोला जावन दे। फिरती बार जब माता सीता जी के पता बता के आ गई ना, ओकर बार खाले बार बार निवेदन करे, और बार बार जब निवेदन करी सोकर बात भी जब नहीं मानी, आखिर में यहाँ तक माता कही के देखी कावर माँ कहूँ तब तो शायद हो सकते अपन लड़का मान के छोड़ दे, लेकिन ओकर बाद ही जब हनुमान जी महाराज ने नहीं छोड़ी तो फिर किस जब ते कहीं उदिम में नहीं मानत हसले एक काम कर चल खा ले। अब ये कही के हनुमान जी महाराज अपन रूप के विस्तार करी, और रूप के विस्तार करी एक योजन दो योजन, दो योजन के पश्चात निरंतर अपन मुखला बढ़ा जाए, कौन है हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी महाराज कैसे मुखला बढ़ा था, जब हनुमान जी महाराज दो योजन के हो तो फिर दो योजन, अब सुरसा घर का अपन मुहूल खोला जाए हनुमान जी महाराज जैन है, ओकर बाद चार योजन के हो गए, ये दो योजन करे तब वो चार योजन हो गए, और चार योजन के लिए ओकर बाद 16 योजन के हो गए। निरंतर ऐसे करत करत 100 योजन के शरीर लग कर लिस हनुमान जी महाराज है। जैसे एक साधारण से उदाहरण दो, मानो अतकी कन चीज ला खाना है तब कतिक बड़ मुहूल खोल वो बताओ, खाना है अतकी कन खाना है तब कतकी बड़ मुहूल खोल थोड़ा सा है ना, अतका बड़ खाना है थोकिनो मुहूल खोल वे बताओ, और एक ठन लड्डू खाना है तब पूरा पूरा बड़े जाए मुहूल खोल। मानो तो हनुमान जी महाराज गलो पैसे तो अपन रूप के विस्तार कर जाते हैं, वो सुरसल वाला खाना है और खाना है तो वो जसना वो अपन रूप के विस्तार करे, बिल्कुल वैसे ही सुरसा घलो का अपन मुख के विस्तार करे। ऐसे करत करत 100 योजन के मुख हो गए, और ओकर बाद हनुमान जी महाराज का कर अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे रूप धारण करके ओकर मुख में प्रवेश करके निकल गए। और जब मुख में प्रवेश करके निकल गए ओकर पश्चात अपन सही रूप में आके आशीर्वाद प्रदान करी सुरसा, आशीर्वाद प्रदान जब करी ओकर पश्चात हनुमान जी महाराज चली। फिर से एक बाधा आई, वो बाधा का नाम का रही सिंह का, और सिंह का जैन है सिंह का वो भी भगवान जिन है श्री राम जी है ओकर जिन भक्त है हनुमान जी महाराज ओकर रास्ता रोकना चाहिए, पर सिंह का ला मारे के बाद ही हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। अब हम सब सीधा लंका के यात्रा करबो, हनुमान जी महाराज ताहि मारि मारुत सुत वीरा ओला मार के हनुमान जी महाराज लंका पहुंची, और लंका के बाहर जिन है एक पर्वत रहा है, वो पर्वत पे बैठ के हनुमान जी महाराज लंकल देखत रहा है। और कही थे कि वो पर्वत के नाम भलो सुंदर नहीं, और एक ठन कारण यहू है कि सुंदर कांड लिखे ये कांड, तो सुंदर नाम के पर्वत में बैठ के हनुमान जी महाराज लंका के निरीक्षण करत है। और जब लंका के निरीक्षण करत रही वही समय काल दौड़ी हनुमान जी महाराज ला खाए बर। अब आप और हम सब ये पावन कथा ला श्रवण करण एक सुंदर से भजन। स्वर्गीय श्री मंगल पटेल तुलसी के वीर भाई, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। चलो मीठा मीठा डाली हो गई, सबके हाथ निकलना चाहिए, निवेदन
पाछू वाला मन से कोंटा गांटी वाला मन से विशेष निवेदन है बोल है ना। चलो जेन जेल भगवान गुठन हाथ दे दोनों हाथ निकालन प्रेम से गुनगुनावो भईनी भगाने तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बम तुलसी के पाना तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बम तुलसी के पाना जी हसी राम ते बिराजे हो जी हसी राम ते बिराजे हो तुलसी के पीर बाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के पाना तुलसी की शिकायत है भाई मोरे है ना चीटिंग कर थो पाछू वाला है ना। चलो निवेदन अति सुंदर आप सब यहाँ विद्यमान हर रोज रोज तो मिले नहीं भगवान की भजन करे बस और मिले हैं तो चलो आनंद के साथ आप सब लोग मोर साथ गाना है। तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बम तुलसी के पाना तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के पाना तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बन तुलसी के माला तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बन तुलसी के माला जी हसी राम ते बिराजे हो जी हसी राम ते बिराजे हो झूम झूम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बन तुलसी के माला तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बन तुलसी के माला तुलसी के पीर वाही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोती बन तुलसी के माला भूल वो हनुमान जी महाराज एक पर्वत के ऊपर में बैठ के लंका के निरीक्षण करते थे कि नगर में कैसे प्रवेश करे जाए लंका में कैसे घुसे जाए कैसे यहाँ माँ जानकी के खोज करे जाए। और जब हनुमान जी महाराज निरीक्षण करते रहे कही थे कि उतके बेर काल जे थे हनुमान जी महाराज ला खाए बर दो। लेकिन आप विचार करो देखो भाई रावण जे थे लंका के रखवाली बर काल तैनात करके रखे पीछे के कारण
मातृशक्ति बैठे है, मैया मन बैठे है, आप सब सोन चांदी के गहना पहनो दाई है ना, और सोन चांदी के आभूषण धारण करतो तो ओला कैसे राखथन बताओ। घर में अलमारी अलमारी के अंदर नान चुटुक वाला अलमारी बताओ तो आजकल फिर आधुनिक जमाना है, अलमारी के अंदर छोटे वाला अलमारी, छोटे वाला अलमारी के अंदर नान चुटुक वाला वहूम ताला कुची लगा कर रखे रथन बताओ तो उतिक सिक्योरिटी हमर तरफ से वो सोन चांदी कहना तो फिर रावण के लंका घलो फिर स्वर्ण के नगर है, स्वर्ण के नगरी है लंका, तो फिर ओकरो रखवाली पर तो कोई विशेष गार्ड होना चाहिए, कोई विशेष सिक्योरिटी होना चाहिए ओकरो, तो फिर वहां के रक्षा पर स्वयं काल का तैनात करके रखे सब। काल है दौड़ी हनुमान जी महाराज ला खाए बर, और जब काल है दौड़ी तो काल ला पर मुख में दबा ली हनुमान जी महाराज। अब काल चिल्ला छोड़ो बचाओ छोड़ो बचाओ, कौन छोड़ा देवता मना के सब निवेदन करी श्री महाराज एला छोड़ दे, कहीं एला नहीं छोड़वे तो जिन संसार के जिन जन्म मृत्यु के चक्र है वो कैसे चल ही, काल हानि रही था एला छोड़ सब आप निवेदन कर। तो हनुमान जी महाराज हे को महाकाल भगवान शिव शंकर जी के ग्यारहवा रुद्र अवतार है ना हनुमान जी महाराज है, तो आप बताओ तो भाई का महाकाल के सामने काल हटिक जही नहीं, वो तो महाकाल है और महाकाल है तो कर सामने काल तो टिक ही नहीं सके, और ले दे के काल ला छोड़ी सब, काल ला कब छोड़ी कि इसकी भाई तोड़ सामने एक ठन शर्त है, उस शर्त का मानवे तभी छोड़ शर्त का अभी एकर बाद पाछू पाछू मोर प्रभु राम जी के सेना आही एकर बाद, और एकर बाद जब सेना आही ना तब फिर वो सेना मन ले को जन मत खावे, ये लंकक जति जन दिखत ना ये सब लते खा ले यही शर्त में तोला छोड़ो, तो यही शर्त में काल हनुमान जी महाराज छोड़ी, और ओकर पश्चात हनुमान जी महाराज चली लंका के निरीक्षण करत है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, छोटे रूप धारण करके विचार करके हनुमान जी महाराज प्रवेश करत है लंका में, और आप विचार करो कि हमर जीवन में घलक विचार होना चाहिए, कैसन विचार होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब जब कोई काम करे है तो ओकर पीछे कोई ना कोई विचार है, जब भी कोई कार्य करे है तो विचार करके ही काम करे है, और हमर बड़े सियान मन कहे घलो है का कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए, जिन काम ला सोच समझ के नहीं करे अंत में ओकर हासी छोत है, एकरे से दिन काम ला जब भी करे जाए तो सोच समझ के करे जाए, विचार के करे जाए, एकर से दिन हनुमान जी महाराज विचार के करत है काम ला। और कैसन विचार देखो तीन जन पात्र है रामचरितमानस के, और ये तीनों पात्र के जीवन में आप विचार ला देख दे, तीन जन कौन कौन पात्र, पहला तो सुग्रीव जी महाराज जानते हो, सुग्रीव जी महाराज जब भगवान श्री राम और सुग्रीव जी महाराज दोनों के मित्रता हुई, और दोनों के जब मित्रता हुई तो सुग्रीव जी महाराज जिन आभूषण ला माता जानकी डारे रही वो आभूषण ला दिखात रहे कि प्रभु ये आभूषण हरे एला देखो का ये माता सीता जी खरे खरे उल दिखावत रहे, और दिखावत रहे तो भगवान तो चिन्ह ले और चिन्ह डरी, ओकर बाद भगवान श्री राम जी जिन विरह से व्याकुल हो गए, पीछे में लक्ष्मण जी महाराज खड़े रहे, और लक्ष्मण जी महाराज खड़े रहे तो लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी महाराज से पूछे कि भैया तुमन कही थो कि राम राम हा राम तुकारी हम ही देख दिन नी पंडा, कोई नारी अबला नारी जेन है पुकार करत रही तू मला देख के पट डार दे रही और बचाए बर चिल्ला रही तो तुमन कावर नहीं गे बचाए सुने तो तहु मला जाना रही बचाए बताओ तो कोई चिल्लात है अपन बचाओ बर तहु मला जाना रही तुमन कावर नहीं गे। तो सुग्रीव जी महाराज कहे इसकी दरअसल बात ये है कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे कछु करत विचार, मंत्री मन सब बैठ के विचार करत रहे महाराज। लक्ष्मण जी महाराज सुनिस तो कहे जागी लग जाए इसने विचार, अरे कोई अबला नारी कहा थे कि मोर प्राण के रक्षा करो और आप कहा थो कि भैया रुको सोच के आहू ऐसा विचार अच्छा विचार नहीं। अब एक जन विचार करने वाला कौन, रावण, रावण के दरबार में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो देख के कहिस कि ये तो बंदर है, और बेंद्रा मन के ममता कामा होते पूछी मोते, और पूछी मोते दे काम करो का काम करो, कपि के ममता पूछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, ये काम करो पूंछ में आग लगा दो, और पूंछ में आग लगाई सुकर बात का हो साफ सब जान दो,
पुंछ में आग लगी सोकर बात लंका जल के राख हो गए। तो कहे के रावण केवल काम करी सब सुग्रीव केवल सोचते रही गई ये हर कामे नहीं कर पाई सब ये सोच में कर। तो जब जब विचार हो हमर जीवन में विचार और कार्य दोनों सही हो जाए सही जगह हो जाए अच्छा विचार हो अच्छा कार्य हो तब कहीं जाके जीवन है सुंदर हो सकते। हनुमान जी महाराज जब भी कोई कार्य करे है तो विचार करके ही करे है। आवो ऐसा हनुमान जी महाराज छोटे रूप धारण करी और छोटे रूप धारण करके लंका में प्रवेश करे है। और जब लंका में प्रवेश करी वही समय लंका के रखवाली में एक जन रखवार हावे और वो रखवार कौन है नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहि दरी। लंकनी नाम के एक राक्षसी जिन रखवाली करत आवो ओकर बीच में और हनुमान जी महाराज के बीच में सत्संग हो है और कैसन सत्संग आप और हम सब जाए। श्रीमान स्वर्गीय मंगल राम पटेल जी कौशल पटेल पुत्र की ओर से 101 रुपए का श्रद्धा सुमन कोटि शाभार धन्यवाद और मयंक पटेल जी की ओर से 11 रुपए का श्रद्धा सुमन कोटि शाभार धन्यवाद। आप सबके जीवन भगवान श्री राम जी की कृपा से ओतप्रोत रहे यही शुभ मंगल कामना हम सबकी ओर से। स्वर्गीय गुलाब राम सेन जी की स्मृति में 51 रुपए कोटि शाहभार श्रीमती गीता सेन जी की ओर से 121 रुपए का श्रद्धा सुमन जैसे अब गोबर दे बछड़ू गोबर दे चारों फुट टली पन दे गोबर दे बछड़ू गोबर दे चारों फुट टली पन दे चारों दे रानी न बैठन दे अपन काटे गुरा हमला दे दे बीजा ये बीजा काय कर रही जाऊं ती बीज बिहार दिन हरी हरी डूबना हिरदी पोछी कपटी की ना एक कुड़ में लान भजी ये कपूर कटक लंबा तो मोर देवी ससुर उगड़ी आहा उगड़ी पूरी उगड़ी उगड़ी पूरी उगड़ी उगड़ी पूरी उगड़ी उगड़ी पूरी उगड़ी चारी चिंतित चटकती चारी चिंतित चटकती झटकड़े कर को मोर कपू उगड़ी आहा उगड़ी पूरी उगड़ी उगड़ी पूरी उगड़ी ये उगड़ी पूरी उगड़ी उगड़ी पूरी उगड़ी I'm
रुद्र की।